नमस्कार दोस्तों, मैं नमन जांगे, डेप टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पंचायती राज एक ऐसे सिस्टम को दर्शाता है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इंडिया में। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर है, विलेज लेवल पर है, और जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्यों हमें ज़रूरत होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की और क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो विलेज लेवल पर गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएगी कि कहाँ क्या काम होना है, कहाँ किस काम की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हमें डेवलपमेंट करनी है। वजह कि हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाएगी और वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से बहुत दूर है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है पंचायती राज की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ताकि जो डेवलपमेंट है वो इवन हो सके और ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। अगर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अपने स्ट्रक्चर से समझाऊं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो भी कुछ इसी तरह है कि जो डेवलपमेंट है वो इवन तरीके से हो पाए और पूरे कंट्री में हर जगह हो पाए। अगर मैं आपके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए। देखिए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। हमें पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फर्दर डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यहाँ अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि जो पंचायती राज है और म्यूनिसिपैलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। सो फर्दर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर डिविजन्स हो रही हैं, जो कि जिला परिषद डिविजन्स के नीचे है। जिला परिषद, जिला नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को शो कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे हमारी आती है ब्लॉक समिति, जो टाउन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्लॉक समिति के नीचे आता है ग्राम पंचायत, जो हमारी विलेज लेवल को शो करता है। देखिए, ये है जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत। ये बात हो गई जो हमारी टाउन लेवल पर। ओके, जिला परिषद के नीचे यहाँ पर ब्लॉक समिति आ रहा है। ब्लॉक समिति आपको अच्छी तरह पता है टाउन लेवल को रिप्रेजेंट करता है और ये विलेज लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें अर्बन लेवल की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो फर्दर डिवाइडेड है, थ्री टायर्स में जो फर्दर डिवाइडेड है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ओके, ये कैसे डिवाइडेड है ये हम आगे डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपैलिटी में। और पर फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जो पंचायती राज की जो थ्री टायर्स में डिवाइडेड है वो है जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत में। और जो म्यूनिसिपैलिटी है वो थ्री टायर्स में डिवाइडेड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत में। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे पंचायती राज को और म्यूनिसिपैलिटी को, ये जो स्ट्रक्चर है ये टेबल आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। और समझ तो आई थिंक अभी भी आ गई होगी आपको, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। टाउन यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल को शो करता है, ये टाउन लेवल को, ये हमारे विलेज लेवल को शो करता है, और यहाँ अर्बन लेवल में ये थ्री टाइप से अलग से डिवाइडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज को, समझते हैं पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, थ्री टायर्स में डिवाइडेड है, ग्राम और विलेज पंचायत, जिसे हम ग्राम पंचायत भी बोल देते हैं और विलेज पंचायत भी बोल देते हैं। सेकंड है ब्लॉक समिति और मंडल परिषद, मंडल परिषद बोल देते हैं, ब्लॉक समिति बोल देते हैं। ब्लॉक समिति एट टाउन लेवल और जिला परिषद, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, ग्राम विलेज है विलेज लेवल पर, ब्लॉक समिति है ब्लॉक लेवल पर यानी कि तहसील लेवल पर, और हम बोल सकते हैं जो टाउन होते हैं छोटे उनके लेवल पर ब्लॉक समिति होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं वो होती हैं जिला परिषद। ग्राम पंचायत को हमारे हेड करते हैं प्रधान, ब्लॉक समिति को हेड करते हैं प्रमुख और जिला परिषद को हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, आप समझ ही गए होंगे विलेज लेवल पर जो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत यानी कि पंच, पंच नाम आया है पांच से। तो जो मेंबर्स होते हैं इसके,
कहने के लिए तो पंच होता है, लेकिन इसमें जो मेंबर होते हैं 5 से लेकर 15 तक हो सकते हैं। ब्लॉक समिति में जैसे मान लीजिए यहाँ टाउन हो गया, तो टाउन में बहुत सारे विलेज आ जाते हैं, तो जो इनके ब्लॉक समिति के जो मेंबर होते हैं वो 20 to 60 मेंबर वेरी करते हैं। और जिला परिषद, जैसे कि आपको पता है जिला में तो टाउन भी आ गए और विलेज भी आ गए, तो जिला तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को शो कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को कौन हेड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि जो पंचायती राज है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू फॉर्मलाइज्ड हुआ है। सो इट फॉर्मलाइज्ड इन 1992 बाय 73rd अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd अमेंडमेंट 1992 के थ्रू ये फॉर्मलाइज्ड हुआ है। लेकिन 1992 की अगर हम बात करें तो वो 73rd अमेंडमेंट उस ईयर में हुआ है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट किया गया है पंचायती राज को वो हुआ है 24 अप्रैल ऑफ 1993। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इम्प्लीमेंट की कि इम्प्लीमेंट कब हुआ है, तो हुआ है 24 अप्रैल 1993, और किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, तो 73rd अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1992। देखिए मैं म्यूनिसिपैलिटी को भी साथ साथ यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए और आप याद भी रख सकें। अगर बात करें 73rd अमेंडमेंट की, 73rd अमेंडमेंट 1992 की, तो वो उसके थ्रू हमारी पंचायती राज फॉर्मलाइज्ड हुई है। और अगर यहाँ बात करें 74th अमेंडमेंट की, 74th अमेंडमेंट 1992, तो उसके हिसाब से क्या हुई है, म्यूनिसिपैलिटी जो है हमारी, म्यूनिसिपैलिटी फॉर्म्ड हुई है 74th अमेंडमेंट 1992। सो आप समझ गए होंगे, 73rd अमेंडमेंट की अगर बात करें तो पंचायती राज, और 74th अमेंडमेंट की बात करें तो हमारा म्यूनिसिपैलिटी आ जाता है। और इम्प्लीमेंट दोनों ही 1993 में हुए हैं। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो इलेक्ट्स, अब ग्राम पंचायत को इलेक्ट कौन करता है। देखिए ग्राम सभा इलेक्ट्स ग्राम पंचायत। अब हम ग्राम सभा किसको बोलेंगे, देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि जो वोटिंग एज होती है वो होती है 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स, तो जो वोट कर सकते हैं हम उनको ग्राम सभा बोल देते हैं। ग्राम सभा किसको इलेक्ट करती है, ग्राम पंचायत को। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ग्राम पंचायत में मेंबर्स 5 से लेकर 15 तक वैरी करते हैं, जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी क्या एलिजिबिलिटी है कि वो मेंबर हो सकते हैं ग्राम पंचायत के, तो वो कम से कम 21 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेन्योर जो होता है पंचायत का वो होता है 5 ईयर्स, लेकिन मान लीजिए कि बीच में ही पंचायत गिर गई है, यानी कि डिजोल्व हो गई है, तो जो इलेक्शन हो जाने चाहिए वो विद इन 6 मंथ हो जाने चाहिए, और एक नई जो पंचायत है वो इलेक्ट होकर आएगी। ओके तो ये थी बात टेन्योर ऑफ पंचायत, डेट इज़ 5 ईयर्स। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पंचायती जो राज है वो 3 टायर्स में डिवाइडेड हुई है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, वो थी ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में। जो ये 3 टायर्स में डिवाइडेड हुई है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, यानी कि ये किसके द्वारा रिकमेंडेड की गई थी, ये की गई थी बलवंत राय कमेटी के द्वारा। बलवंत राय कमेटी जो कि हेडेड की गई थी, यानी कि जिनको जिस कमेटी को हेड किया था एमपी बलवंत राय मेहता जी ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 1957 में इसको अपॉइंटमेंट किया था, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 1957, किसको, बलवंत राय कमेटी को। तो बलवंत राय कमेटी ने दरअसल किया क्या था, रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लेटर नोन एज पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज के इस्टेब्लिशमेंट को, और दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 टायर पंचायती राज जो सिस्टम है वो किन की रिकमेंडेशन से बना है, वो बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से बना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर नोट
मैं लिखना भूल गया कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई है बलवंत राय कमेटी, वो जनवरी 1957 में की गई है, लेकिन जो रिकमेंडेशन आई है, जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है पंचायती राज सिस्टम, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, वो 1958 में हुई है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट जो विलेज पंचायत बनी है वो कहाँ थी? वो थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली जो विलेज पंचायत फॉर्म हुई थी वो हुई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। और जो सेकंड विलेज पंचायत फॉर्म हुई थी वो हुई थी आंध्रा प्रदेश में। देखिए, हमारे आपको पता है कि 29 स्टेट्स में और सारी यूनियन टेरिटरीज में पंचायती राज है, एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़कर। और नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ऐसी जगह हैं जहाँ पंचायती राज अभी तक नहीं है। ओके, तो आपको ये याद रख लेनी है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में अभी तक पंचायती राज नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फंड की। देखिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को या हम बोल सकते हैं कि सेंटर को जो फाइनेंस करता है, फंड करता है, वो कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। ऐसे ही पंचायती राज के केस में और म्युनिसिपैलिटी के केस में जो फंड आता है, जो फाइनेंस होती है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से होती है। और जिसको अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन इज़ अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो इलेक्शन है पंचायती राज के, वो कौन कंडक्ट कराता है? तो पंचायती राज के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? हम गवर्नर अपॉइंट करते हैं। गवर्नर क्यों अपॉइंट करेंगे? क्योंकि ये स्टेट लेवल पर हो रहा है और स्टेट के अंडर हो रहा है सब कुछ। और आपको पता है जो गवर्नर है, जैसे इंडिया लेवल की बात करें, वो नेशन लेवल की बात करें तो प्रेसिडेंट हेड होते हैं हमारे, और जो स्टेट लेवल की अगर बात करें तो गवर्नर हेड होते हैं। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को। अब बात कर लेते हैं सीट्स की, कितनी सीट्स रिजर्व रहती हैं। देखिए, सीट्स रिजर्व फॉर SC ST इन प्रोपोर्शन टू देयर टोटल पॉपुलेशन। देखिए, जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के हिसाब से SC ST की कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं, लेकिन उन सीट्स में जो 1/3 सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व रहती हैं। ओके, तो ये बात होगी सीट्स की। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया है, बलवंत राय कमेटी डिस्कस कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम म्यूनिसिपैलिटी पे। म्यूनिसिपैलिटी भी जैसे कुछ कुछ पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं म्यूनिसिपैलिटी को लेकर, जैसे कि हमने अमेंडमेंट डिस्कस कर लिया है। तो कौन सा अमेंडमेंट है म्यूनिसिपैलिटी का? 74th अमेंडमेंट 1992। और इम्प्लीमेंट कब हुई? इम्प्लीमेंटेड हुई 1993 में। और हमने डिस्कस किया है कि जो फंड है, जो फाइनेंस होती है म्यूनिसिपैलिटी को, कौन देता है, कौन फाइनेंस करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि अपॉइंट की जाती है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और जो हेड हेड है ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसको कहते हैं हम मेयर। और जो फर्स्ट म्यूनिसिपल थी वो कहाँ आई थी? मद्रास में। मद्रास तब का नाम है, लेकिन आज जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट म्यूनिसिपल जो ऑपरेशन में आई थी वो आई थी चेन्नई में। ओके, अब बात करते हैं। जैसे हमने टेबल देखी थी शुरू में, बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी टेबल थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो 3 टायर्स में डिवाइडेड है, यानी कि नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, अब नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कैसे डिवाइडेड है? देखिए, जहाँ पॉपुलेशन मान लीजिए रूरल अर्बन है और जहाँ वेरी करती है 11,000 to 25,000, तो वहाँ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, या हम बोलेंगे नगर पंचायत के नाम से हम वहाँ जानेंगे उसको, और जहाँ वेरी करेगी 25,000 से 1 लाख तक, वहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल बोलेंगे, यानी कि स्मॉल अर्बन। और जहाँ लार्जर अर्बन होगा, या जहाँ हम बोल सकते हैं मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं, जहाँ पॉपुलेशन एक्सटेंड करती हैं और एक्सीड करती हैं 1 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये ऐसे डिवाइडेड होती हैं। अब देखिए, मैं आपको फिर से वो जो स्ट्रक्चर है वो दिखा देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि जिला परिषद है, देखिए
यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट नीचे डिवीज़न डिवीज़न जिला परिषद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब अर्बन लेवल की बात करते हैं, ठीक है। अब अर्बन लेवल पर जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था, तो अब आप समझ गए होंगे जहाँ 11 हज़ार से लेकर 25 तक है वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 25 to 1 लाख तक होगी वहाँ म्युनिसिपल काउंसिल, सॉरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सीड 1 लाख, ग्रेटर देन 1 लाख, और म्युनिसिपल काउंसिल होगी जो होगी वो 25 से 1 लाख, और नगर पंचायत जो होगी जो रूरल अर्बन को रिप्रेजेंट करती है वो 11 हज़ार से लेकर, मतलब जहाँ टाउन होगा वहाँ भी बोल सकते हैं हम कि नगर पंचायत होगी। और जहाँ हमने पंचायती राज में डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है विलेज लेवल को रिप्रेजेंट करती है, ब्लॉक समिति हमारी टाउन लेवल को रिप्रेजेंट करती है, जिला परिषद आपको जैसे कि पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सब था, ये मैंने जहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट्स थे और जितना आसान हो सकता था वहाँ तक मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। आई होप आपको समझ भी आया होगा, और कुछ आपकी अगर क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।